ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਨਾਗੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜ਼ੋਇਆ ਾਲੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜ਼ੋਇਆ ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾਗੀ ਜੀ ਜ਼ੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਜੀ ਮੂਝੀ ਥੋੜੀ ਅਰਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੂਝੇ ਫਿਲਮੇ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਆ ਆਊਟਡੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਸਾ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਫੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕੇ ਕਮ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਈਆ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੋ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਲੋਰ ਆਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੱਦੀ ਪੁਛਤੀ ਲੋਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ पाया कि जो अच्छा दस आले ने अच्छा सिखान बहुत सारे हैं हमारे सीनियर जो कि अच्छा, दो अच्छा दो। सिखाते हैं अच्छा समझाते हैं अच्छा वो ऐसे सीनियर हैं कि उनका नाम लेते हुए भी, भी मुझे खुशी होगी हमारे बहुत सारे सीनियर हैं मेल हैं फीमेल हैं कि जिन्होंने जूनियर को अपने बच्चों की तरह पास बिठाया है समझाया जी जी। है जैसे मैडम नरगिस हैं मैडम मेगा हैं आफरीन परी हैं निधा चौधरी हैं माशाल्लाह अभी हमारे साथ सामा खान काम कर रही हैं ये ये वो सीनियर फीमेल हैं कि जो अपने जूनियर को जूनियर नहीं समझती बच्चों की तरह पास बिठाती हैं और उनको बकायदा समझाती हैं ड्रेस ऐसे करो बाल ऐसे करो मेकअप ऐसे करो तो ये माशाल्लाह बहुत हमारी अच्छी सीनियर है ये अच्छा रुझान है वैसे तो पहले हमने ये भी देखा है कि जूनियर से कुछ आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्टें लड़ाई हो जाती थी दौरान ड्रामा किसी गाने से झगड़ा हो जाना ये बड़ी खुशाइन बात है जो आप कर रही हैं कि हमें मतलब बायदा पुशअप करती हैं हमें बताती हैं कि ये कर लो ये कर लो जो जूनियर ये कहती है कि हमें सीनियर जगह नहीं देती है हमें समझाती ही नहीं है मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत कहती है, शायद उनके साथ ऐसा हुआ हो हुआ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ माशाल्लाह बहुत प्यार है इन सबका बहुत ही प्यार है और मैं खुद भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इज्जत करती हूँ इन्होंने मुझे तो हमेशा समझाया ही है रही बात हमारी जूनियर्स की तो कुछ जूनियर्स ऐसी होती है कि उनके साथ सीनियर कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन वो फुल में अफवाह बना देती हैं जी उस सीनियर ने ये कहा उस सीनियर जबकि उस सीनियर को ही नहीं पता होता कि जूनियर के साथ ये हुआ कब है हमने किया कब है जवाब में ये बात कहूँगा आजकल जब से ये सोशल मीडिया है ना तो बहुत सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ना कुछ आर्टिस्ट वो ऐसी बातें कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता हमारी प्रोड्यूसर हमारे राइटर और डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजमल साहब वो हमेशा ये चीज समझाते हैं हमें कि ये इस तरह की जो शौखियाँ इंटरनेट पर फजूल बातें और आपस में लड़ाइयां झगड़ा करके जो आप पहचान बनाने की कोशिश करते हैं या आगे जाने की कोशिश करते हैं वो बहुत कम अरसे के लिए होती है जी जी जी। जो एक्टर है जो वाकई फनकार है वो जी अपनी मेहनत से ही आगे जाता है राइट लाइफ वाला जो मर्जी बोलता रहे उसका टारगेट अपने काम पे होता है मैं सीनियर होने के नाते ये एक बात कहता चलूँ कि जो लोग मतलब सस्ती शहरत हासिल करने के लिए ख़ास तौर पर फीमेल जो मुख्तल सीनियर अदाकारों पर इल्ज़ाम लगाती हैं वो ये जान लें कि आप अपनी ऑडियंस ख़ास तौर पर वो ड्रामा बीम जो देखते हैं उनकी नज़रों में आप डिग्रेट हो रही हैं

मैंने अपने हाथों से जो जो आर्टिस्ट मतलब मैं मतलब मेरे हाथ से बने हैं या मेरे मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका जिसमें सरे फेरे तस्लीम अलबेला बब्बू चांद बराल ये मेरे खसूस मेरी तरबियत के हैं मैंने इनका रास्ता नहीं रोका और भी काफ़ी सारे फनकार हैं जिनका मैंने रास्ता रोका नहीं दिया उसका बैन सबूत है कि आज मैं आफ्ताब इकबाल के शो में उन्हीं सीटों पे बैठा जिन सीटों पे वो बैठा ताकि बंदा किसी का रास्ता नहीं, तो नहीं, नहीं रोकता तो अल्लाह उसका नहीं नहीं रोकता रोकता बिल्कुल, बिल्कुल अल्लाह पाक बारे 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 है। बड़े है अल्लाह पाक को पता है उन्होंने अपने बंदे को कितना ये भी पकड़ लो वो भी पकड़ लो जितना मर्जी पकड़ने की कोशिश करो वो हाथ आके भी चला जाता है एक और मैं सीनियर जूनियर के लिए बात करूंगा की ये काम हम वो लोग कहते हैं पड़ोसी मुल्क के सुर ईश्वर है वो इस काम को पाक कहते हैं वाकई ये काम पाक है अगर पाक होकर किया जाए तो इस काम के साथ तो ख़ास तौर पर जो लोग हमारे ये कंसीव कर लेते हैं कि ये नशा करते हैं तो फिर काम होता है ऐसे काम नहीं होता एक तो इन बातों से तोबा करें दूसरा अल्लाह के करीब होकर देखें कि नमाज पढ़ें और जो बातें हम प्रोडूसरों से करना चाहते सर मुझे अच्छा रोल दे दें सर मुझे फलाँ गाना दें वो अल्लाह से बातें करें किसी पता को भी आपका रोल खड़ा होता है किसी को कहने की जरूरत नहीं है उससे बातें करें दिल की बातें करें जो ख्वाहिशात हैं उसको बताएं और सहिता करके बाद में उसको बताएं, खुदा की कसम आपका रहा डायरेक्ट हो जाएगा बिल्कुल है सही ये काम है साफ है तो इसके उस, अच्छे तरीके से मुराद अल्लाह पाक जी दिलों के हाल बेहतर जानते हैं तो वो उसको उतना ही अता करते हैं जितना उसकी अंदर है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं ये अल्लाह पाक ही है कि कम में ज्यादा नहीं डालते लो जी जोया चौधरी से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जो नागी टीवी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकॉन दबाइएगा और वीडियो देख के कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और बाबा जी इजाजत